हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम देखेंगे कि ब्रॉडली इयोन होते हैं जिन्हें डिवाइड किया जाता है एरा के अंदर, एरा को डिवाइड किया जाता है पीरियड्स के अंदर, पीरियड्स को डिवाइड किया जाता है इपॉक के अंदर। फोर मेजर इयोन होते हैं, हैडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक एंड फेनेरोजोइक। इनमें से हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक को कंबाइंडली प्री कैम्बियन कहा जाता है। प्री कैम्बियन को कहा जाता है एरा ऑफ अर्ली लाइफ, एरा ऑफ अर्ली लाइफ। प्री कैम्बियन एरा में एविडेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड एल्गी मिले थे, यानी एविडेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड एल्गी देखे गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तो प्री कैम्बियन हो गया। उसके बाद में जो फेनेरोजोइक इयोन है उसे थ्री एरा के अंदर डिवाइड किया जाता है, पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा। एक एक करके हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले पैलियोजोइक एरा की बात करते हैं। पैलियोजोइक एरा में आते हैं सिक्स पीरियड, कैम्ब्रियन, ओर्डोविसियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन। जो पैलियोजोइक एरा है उसे कहा जाता है एज ऑफ एंशियंट लाइफ, एज ऑफ एंशियंट लाइफ। कैम्ब्रियन के बाद में जो ऑर्डोविशियन है उसे कहा जाता है एज ऑफ वर्टिब्रेट्स, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स। सिलूरियन पीरियड जो है उसमें फॉसिल टेरिडोफाइट्स हमें मिले थे, फॉसिल टेरिडोफाइट्स। हमें प्राप्त हुए थे फॉर एग्जाम्पल राइनिया, कुकसोनिया, हॉर्नियोफाइटोन, एंड साइलोफाइटोन। डिवोनियन जो पीरियड है उसे कहा जाता है एज ऑफ फिशेस, एज ऑफ फिशेस। कार्बोनिफेरस पीरियड जो है उसे कहा जाता है एज ऑफ एम्फीबियंस, इसे ही कहा जाता है एज ऑफ फर्न्स। क्योंकि कार्बोनिफेरस में लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा ये डोमिनेंट हुआ करते थे, इसीलिए कार्बोनिफेरस को कहते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस और एज ऑफ फर्न्स। इसी तरह से नेक्स्ट एरा जो है उसे कहते हैं मीजोजोइक एरा। इसके अंदर तीन पीरियड आते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। जो मीजोजोइक एरा है उसे कहा जाता है एज ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड
जिम्नोस्पर्म्स। ट्राइसिक पीरियड जो है इसे कहा जाता है एज ऑफ साइकेड्स। क्रिटेशियस पीरियड में ओरिजिन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हुआ, ओरिजिन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट हम बात करें सीनोजोइक एरा की। इसे डिवाइड किया जाता है दो पीरियड्स में, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। सीनोजोइक एरा जो है इसे कहा जाता है एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ, एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ। इसे ही कहते हैं एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स। टर्शरी पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ डाइकोट्स, एज ऑफ डाइकोट्स। एंड क्वाटरनरी पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ मोनोकोट्स, मोनोकोट्स। अब हम एक एक करके टर्शरी और क्वाटरनरी पीरियड की बात करें तो टर्शरी पीरियड को डिवाइड किया जाता है पैलियोजीन एंड नियोजीन के अंदर। पैलियोजीन में थ्री इपॉक को रखा जाता है, पैलियोसीन, ईओसीन एंड ओलिगोसीन। एंड नियोजीन के अंदर दो इपॉक को रखा जाता है, मियोसीन एंड प्लियोसीन। इनमें से जो पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन एंड मियोसीन जो है में मैमल्स एंड बर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ। प्लियोसीन जो है उसमें ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। इसी तरह से अगर हम बात करें क्वाटरनरी की, इसमें दो इपॉक को शामिल किया जाता है, प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। जो प्लीस्टोसीन है उसे एज ऑफ ह्यूमन कहा जाता है, एज ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। और जो होलोसीन है उसे एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है, एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। तो इस तरीके से ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सो थैंक यू फ्रेंड्स।